दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रतन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती। तो कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में IMAX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वह बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्रंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक किए त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है, तो
तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है। आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले, और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था, और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है, और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है, जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है, और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है, और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधा के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयंसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है।
बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक किए त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो आईएमडीबी है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव आ रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। एमएक्स प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी एमएक्स प्लेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है, अफकोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए
औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए। ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए। ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। MX प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। MX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी MX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकेतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी,
रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा आईएएस बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयंसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्रंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है।
जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीजन देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव आ रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है, जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है, और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चितरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमावाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। फिलहाल
एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन प्रीमियम अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकट अंधेर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्रंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा।
जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए। यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए। ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले, और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था, और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है, और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती। तो कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकट अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है, जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है, और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह, यानी कि क्रांति प्रकाश झा, IAS बनने का सपना देख रहा होता है, और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से
सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है, अफकोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकट अंधेर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माहे गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहां पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है।
हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंगो और राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा आईएएस बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो आईएमडीबी है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। एमएक्स प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी एमएक्स प्लेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी।
इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकट अंधेर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेघावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकित अंधेर पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कट्टा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चितरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करें और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। MX प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है,
इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है।
आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन प्रीमियर अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को इंजॉय कर सकें। ये सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। तो रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। एमएक्स प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी एमएक्स प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अफकोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्य शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहां पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहां पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेघावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहां पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयंसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्रंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे
और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है, अफकोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है।
अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की, यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चितरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए। ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए। ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है, और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकेतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है।
अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा आईएएस बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो आईएमडीबी है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है या कहे तो इस सीरीज़
हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में IMAX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है, और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक या पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक, पुजारी, निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चितरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमावाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। IMAX प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा,
ये आपको पसंद जरूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा।
आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है। आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकट अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग और राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक या पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक, पुजारी, निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कट्टा की प्रेयसी और
सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चितरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक किए। त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है, ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है।
अपराध, हत्या, गैंगवॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेघावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए। यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। MX प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। MX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी MX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकेतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल,
विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग और राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा आईएएस बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा जो स्थानीय विधायक या पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक, पुजारी, निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है
जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीजन देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो सीरीज हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है, जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है, और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्रंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी।
एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकट अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधा के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक, पुजारी, निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा।
जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से
सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्ररंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमावाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए। यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए। ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्य शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माहे गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्ररंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहां पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है।
हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंगो और राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा आईएएस बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक किए त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो आईएमडीबी है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। एमएक्स प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी एमएक्स प्लेयर पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी।
इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग और राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा आईएएस बनने का सपना देख रहा होता है, और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक या पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक, पुजारी, निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चितरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमावाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है, तो इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन प्रीमियम अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है,
इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकट अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में IMAX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक के पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शक की त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है।
आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न प्रीमियम अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अफकोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्य शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में IMAX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहां पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेघावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकित अंधीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्रंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे
और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो इस सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है, ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकट अंधेर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है।
अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक या पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की, यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए। यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए। ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा, और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था, और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है, और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो सीरीज हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अफकोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती। तो कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकेतन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है।
अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग और राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा आईएएस बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकेतन धीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक या पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहाय से विधायक, पुजारी, निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्तरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक किए त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज बनाई है तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज का निर्माण किया गया है तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। इस सीरीज़ का नाम है रक्तनचाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके दो सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो आईएमडीबी है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है या कहे तो सीरीज़
हिंदी में रिलीज हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर ये एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। ऑफ कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोहिणी चक्रवर्ती, चितरंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिल देगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतांचल मई 2020 में MX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहाँ पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है, और एक उज्जवल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेधावी बुद्धि और चतुराई के कारण वह बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहाँ पर निकितन धीर पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा, जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चितरंजन त्रिपाठी विजय के चाचा और मार्गदर्शक की, त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक विजय को जाल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करे और उसे जेल से रिहा करने वाले, और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वासिम का खास विश्वासु कट्टा कुष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पर रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है, आप इसे देखिए, ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। MX प्लेयर पर दोनों ही सीजन फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है, क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं? सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा,
ये आपको पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने सीरीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी होती है जिन्हें देखने का अलग ही मज़ा रहता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक कमाल की सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसे फ्री में भी देख सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिले और आप लोग भी एक कमाल की सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। ये सीरीज़ का नाम है रक्तन चाल, जिसे 2020 में रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके 2 सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर अब दूसरा सीज़न भी आया है जो लोगों ने खूब पसंद किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसका तीसरा भी सीज़न देखने को मिले। रेटिंग काफ़ी बढ़िया आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो रितम श्रीवास्तव रहे हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, या कहे तो सीरीज़ हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर बाद में इसे अलग अलग भाषा में भी डब किया है। IMAX प्लेयर पर यह एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अभी IMAX प्लेयर पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे वैसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं बनी है। अब कोर्स ये सेंसर होती अगर ये मूवी बनती तो। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो लेड कास्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं, निकित अंधीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्या शर्मा, कैनिसा अवस्थी, माही गिल, विक्रम कोचर, बासु सोनी, गुरप्रीत बेड़ी, रोंजिनी चक्रवर्ती, चित्रंजन त्रिपाठी, प्रमोद पाठक, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, प्राची प्रकाश और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कहानी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कहानी तो वैसे काफ़ी सिंपल होती है। इसके अंदर आपको ब्रटल देखने को मिलेगा, मतलब आपको तगड़ा सीन देखने को मिलता है जो शायद आपको हैरान भी कर सकता है। गैंग वार पर इसे बनाया गया है और पूरी कहानी भी इसी पर चलती रहती है। हालांकि सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। अगर आप लोगों को अपहरण जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज़ भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। रंगतान चल मई 2020 में IMAX प्लेयर पर प्रसारित की गई और एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज़ कही जा रही है। अपराध, हत्या, गैंग वॉर, राजनीति, हिस्सा, रोमांस से भरे हुए औसत लंबाई लगभग 24 से 30 मिनट की एक एपिसोड की है। मुख्य भूमिका में यहां पर विजय सिंह यानी कि क्रांति प्रकाश झा IAS बनने का सपना देख रहा होता है और एक उज्ज्वल युवा छात्र पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह हाथ में बंदूक उठाता है। अपनी ताकत, भेद बदलने की कला, मेघावी बुद्धि और चतुराई के कारण वे बहुत ही कम समय में आपराधिक और अवैध दुनिया में अपना कदम ले चलता है। वसीम खान यहां पर निकित अंधीर, पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का शक्तिशाली गुंडा जो स्थानीय विधायक पुजारी के समर्थन से सभी आपराधिक और अवैध धंधों पर राज करता है। वसीम की शक्ति और धन से सहायता से विधायक पुजारी निर्माण, रेलवे और कोयले की सभी प्रमुख सरकारी ठेके प्राप्त करता है। फिर यहाँ एंट्री होती है सीमा की यानी कि रोजिनी चक्रवर्ती की, जो नृत्यांगना कटा की प्रेयंसी और सनकी को प्यार के जाल में फंसाकर विजय की मदद करने वाली महिला है। बैचन सिंह यानी कि चित्रंजन त्रिपाठी, विजय के चाचा और मार्गदर्शकीय त्रिपुरारी यानी कि प्रमोद पाठक, विजय को जेल में वसीम के लोगों से बचाने वाले साबर सिंह की मदद से विजय की जमानत की व्यवस्था करें और उसे जेल से रिहा करने वाले और फिर विजय का वफादार सलाहकार दोस्त संकी पांडे यानी कि विक्रम कौचर, कोयला एजेंट और वसीम का खास विश्वासु कट्टा कृष्णा विजय यानी कि सिनेमाबाज। यहाँ पर अगर कहे तो इसकी जो स्टोरी है वो कुछ घुमा फिरा के आपको देखने को नहीं मिलती है, एकदम यहाँ पर एक क्लियर कट ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो इसे देखिए, यह आपको पसंद आएगी। इसे देखा जा सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खराब सीन भी शामिल हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है, तो आप इसे देखिए, यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा।
आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है या फिर ये कहीं पे रिलीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये फ्री में अवेलेबल है, आप चाहे तो भी देख सकते हैं, ये आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इन सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का निर्माण किया गया है। आप इसे देख के ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसका कोई प्रीमियर होता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो काफ़ी तगड़ी और कमाल की सीरीज़ का निर्माण हुआ है, तो आप इसे देखिए, ये आपको पसंद आएगी। एमएक्स प्लेयर पर दोनों ही सीज़न फ्री में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी आता है क्या इसका तीसरा कोई सीज़न आएगा या नहीं। सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी इसका तीसरा जो सीज़न है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि तीसरा सीज़न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही आपको न्यूज़ दे देंगे। तो काफ़ी तगड़ी सीरीज़ बनाई है, तो आप इसे देखिएगा, ये आपको पसंद ज़रूर आएगी।